नमस्कार जी सभी को, आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। जी हाँ, जो आज का टॉपिक है बड़ा छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा टॉपिक है और आज हम मस्त मस्त पढ़ने वाले हैं क्योंकि मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉन स्पिन का बेसिक मीनिंग समझाने वाली हूँ। CSIR नेट एग्जाम के अगर आप सिलेबस में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स को देखें तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्क्रिप्शन है, क्वांटम स्टेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, उसके जस्ट बाद इलेक्ट्रॉन स्पिन का टॉपिक दिया रहता है। और ये टॉपिक BSc MSc, चाहे वो आप BSc फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री, MSc फिजिक्स, MSc केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप CSIR नेट एग्जाम गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इवन +1 +2 के स्टूडेंट्स या स्कूल स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एस की वैल्यू, प्लस माइनस। आप अब ये भला आई कहाँ से, कहानी क्या है? जी हाँ, ये कहानियों की बोछार, कहानियों की शुरुआत जो है, ये सारी डिस्क्रिप्शन के साथ हम एक इजी मोड के अंदर इस टॉपिक को करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए मेरे साथ इलेक्ट्रॉन स्पिन। स्पिन अगर मैं मोशन की टाइप्स की बात करूं तो आप लोगों को ये पता है कि हमें ट्रांसलेशनल मोशन होती है, सर्कुलर मोशन होती है, वाइब्रेशनल या ऑसिलेटरी मोशन होती है और इसके साथ एक प्रिसीजनल मोशन होती है। प्रिसीजनल मोशन क्या रहती है कि बॉडी इज रोटेटिंग एज वेल एज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज चेंजिंग इट्स पोजिशन कंटिन्यूसली, मतलब कुछ इस तरीके की मोशन, जस्ट लाइक मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन ना। एक पहले क्या होता था, एक करेक्स का पैकेट आता था और उसके अंदर सिर्फ एक उनका पेट टॉय होता था, एक छोटा सा, इतनी सी मैं कहूँ कि टॉप टाइप स्ट्रक्चर जिसको चक्री बोलते हैं और साथ में एक छोटी सी रॉड होती है और ऐसे छोड़ दिया जाता है और कुछ इसी इस तरीके से घूमती थी। तो कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर जिसको मैं कहूँ कि एक कुछ ऐसी स्ट्रक्चर या इसके नीचे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर कि आप इसको ऐसे घुमाकर छोड़िए और ये ऐसे 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 कुछ इस तरीके से घूमती है। सो इस टाइप की मोशंस को प्रिसीजनल मोशन कहा जाता है। और जो ये उसकी मोशन है अपने ही एक्सिस के चारों तरफ बॉडी का घूमना, इसको हम स्पिनिंग मोशन भी बोलते हैं, स्पिन। तो आपको स्पिन समझ आया होगा, वॉशिंग मशीन के ड्रायर्स हुए, वॉशिंग मशीन के अंदर लिखा होता है ऑप्शन स्पिन, घूमना, अपने ही एक्सिस पे किसी भी ऑब्जेक्ट का घूमना, उसको हम बोलते हैं स्पिन। और अगर ऐसा काम इलेक्ट्रॉन करता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन। अब बात यह है कि कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, जहाँ जहाँ से चीज़ें शुरू होती गई उन सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग बड़े आराम से वहाँ जाकर देख सकते हैं। आपको पता है कि जो ये क्वांटम है या जो एटॉमिक फिजिक्स है, इन सब की शुरुआत अगर हम एटम की डिस्कवरी से बात करें, वहाँ से होते हुए चलते चलते एटम के मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल तक कहानी चली जाती है। हमें पता है कि बोहर्स मॉडल ने फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं किया। अब वो फाइन स्ट्रक्चर भला क्या भला थी, इसकी बात भी मैं अपनी पुरानी वीडियोस में कर चुकी हूँ। होता क्या है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, हम इसकी बात कर चुके हैं। अब उस स्पेक्ट्रम के अंदर एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन मल्टीपल लाइंस में स्प्लिटेड अप रहती है। अब वो स्प्लिटेड अप रहती है तो जो वो ब्रॉडनिंग है लाइन की या जो स्प्लिटिंग है उसका रीज़न क्या रहता है, दैट रीज़न वाज बेसिकली इलेक्ट्रॉन स्पिन। क्वांटम मैकेनिक्स 2 की वीडियोस के अंदर मैंने बहुत डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस करी हैं कि होता क्या है। देखिए, आपको ये पता है कि कोई भी स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम किस तरीके से हम उसकी डिस्कशन करते हैं, सपोज दीज आर लेवल्स इन एन एटम और यहाँ से मान लीजिए दिस इज फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल से फर्स्ट लेवल पर फॉल हुआ या इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल से सेकंड लेवल पर फॉल हुआ, मान लीजिए इस लेवल की एनर्जी 5 जूल है, 6 जूल है, 7 जूल है एंड 8 जूल एनर्जीज, रैंडमली हमने एनर्जीज बता दी। अब कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट लेवल पर फॉल होता है तो 7 - 2 यानी कि 2 जूल एनर्जी को वो रिलीज करेगा। और अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, इधर एनर्जी ले सकते हैं आप, फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं, वेवलेंथ ले सकते हैं एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस वी ऑलवेज कंसिडर इंटेंसिटी एंड दिस ग्राफ बेसिकली इन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज टर्म्ड एज स्पेक्ट्रम। हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं, ये जो गैप है एनर्जी का 2 जूल, यहाँ पर सपोज ये वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस तरीके से 2 जूल। और मान लीजिए इस लेवल पर 10 इलेक्ट्रॉन्स फॉल हुए तो इधर से वैल्यू 2 रहेगी, इधर इंटेंसिटी से 10 हो जाएगी तो यहां पर एक लाइन आ जाएगी। और 7 - 6 मतलब 7 - 6
बोहर्स अगर मैं स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग बात करूं, बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल के अकॉर्डिंग अगर बात करूं, तो E2-E1 रिलीज्ड फोटोन की एनर्जी रहती है, तो 7-6 हो जाएगा 1, और यहां पर 1 जूल के करस्पॉन्डिंग, और सपोज यहां से 20 इलेक्ट्रॉन्स फॉल हुए इन इस लेवल से, तो यहां पर वैल्यू 20 और लाइक दिस। इस तरीके से वेरियस ट्रांजिशंस के करस्पॉन्डिंग हमें पता है, यहां पर वेरियस लेवल्स वेरियस लाइंस आ जाती हैं, एंड वी कॉल देम नथिंग बट स्पेक्ट्रल लाइंस। अब ये स्पेक्ट्रल लाइंस जब रियलिटी में हम हाई रेजोल्यूशन की स्पेक्ट्रोग्राफ के साथ स्टडी करते हैं, तो हमें ये लाइंस सिंगल लाइंस ना नजर आकर हमें ये मल्टीप्लेट्स फील होते हैं, रादर मैं कहूँ कि बेल शेप्ड लाइंस हमें फील होती हैं। सो दिस इज ब्रॉडनिंग, और या मैं कहूँ कि फाइन स्ट्रक्चर की एक एक लाइन हमें एक ना होकर ग्रुप्स में नजर आती है। हम जुदा नहीं हैं, हम इकट्ठे हैं, तू जुदा मैं जुदा नहीं वाला सिस्टम होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, 1 और 1 11 यहाँ पर इस तरीके से मल्टीपल लाइंस होती हैं, इसको हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर। इसका जवाब बोहर अंकल के पास नहीं था, इसका जवाब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन स्पिन के पास आया। अब इस चीज़ को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया, ये कहा गया कि हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो आप इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कीजिए, दिस इज अ न्यूक्लियस एंड दिस इज इलेक्ट्रॉनिक लेवल अराउंड इट, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इसी तरीके से फर्स्ट लेवल हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, अगर ये लेवल्स इसी तरीके से लाइंस रहते, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फॉल करे, यहाँ से यहाँ कहीं भी फॉल करे, तो हमें एक स्पेसिफिक एनर्जी, जैसे हमने यहाँ बात की, वही मिलेगी। लेकिन अगर किसी तरीके से ये लेवल सिंगल लाइन ना होकर इस तरीके का चौड़ा मोटा खाता पीता लेवल है, तब क्या होगा? तब ये जो 3-1 है, ये यहाँ से भी हो सकता है, इसके बॉटम से, इसके मिड से भी हो सकता है, इसके टॉप से भी हो सकता है। सो 3-1 यानी कि 7 जूल - 5 जूल विल नॉट गिव यू एग्जैक्टली 2 जूल, क्योंकि ये 7 नहीं है, ये एक रेंज है। ये वैल्यू 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 कुछ इस तरीके से हो सकती है। तो जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन फॉल होगा वहीं वहीं से लेंगे, तो वहीं से सपोज 7.1-5, 7.2-5, 7.3-5, सो दिस विल गिव यू द डिफरेंट वैल्यूज एंड डिफरेंट लाइंस करस्पॉन्डिंगली ऑन दिस स्पेक्ट्रम। तो ये लेवल अब ब्रॉड कैसे होता है, क्यों होता है ये ब्रॉड? अब ये ब्रॉड क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सीधा नहीं चलते हैं, इलेक्ट्रॉन थोड़ा शरारती किस्म का बच्चा है, तो ये किस तरीके से चलता है, इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग मोशन भी साथ साथ करता है। मैं आपको कहूँ कि आप इस तरीके से एक सर्कल के अंदर मोशन कीजिए, आप इस तरीके से चलेंगे। अब मैं आपको कहूँ कि आपको ऐसे 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 अपनी स्पिन पर घूमना भी है, तो जब आप इस तरीके से ऐसे ऐसे घूमेंगे, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधा नहीं चलता है, ये लाइक दिस कुछ ऐसे चलेगा, इसकी मोशन कुछ इस तरीके से होगी। यही बात केमिस्ट्री में ऑर्बिटल्स की आ जाती है, कि अब मुझे नहीं पता, यानी कि मुझे ये लेवल ब्रॉड नजर आना शुरू हो गया है। अब आप लोग थोड़ा, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा रही हूँ, कहीं यहाँ आप मुझसे लड़ाई मत करने लग जाइए कि कैस की स्प्लिटिंग नहीं होती है जी, उसकी नहीं होती है जी, उसकी नहीं होती है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट, कि ये ब्रॉडनिंग का बेसिक रीजन क्या है। अब आपको एक तो बिल्कुल ऐसे ही घूमना है, एक आप इसे इस तरीके से घूमेंगे, सो विल कवर स्पेस, इट विल बी अ ब्रॉडर रीजन वेयर यू विल बी प्रेजेंट। सो हेयर वी विल नॉट बी एबल टू लोकेट द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली, सो इट विल बी रैंडम एंड देर विल बी सम प्रोबेबिलिटी, और मुझे दिख रहा है क्लियर कट कि ये लेवल ब्रॉड हो गया है। अब आपको ट्रांजिशंस करनी, इसी तरीके से ये लेवल है, इसी तरीके से अगला लेवल है, तब इलेक्ट्रॉन बेचारा कहाँ से आया, कहाँ को जाएगा, कहाँ से पे मिलेगा, इट इज अनसर्टेन, एंड दैट अनसर्टेनिटी इज बींग स्टडीड इन क्वांटम मैकेनिक्स इन द टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यही बात रहती है, दिस इज इलेक्ट्रॉन स्पिन, और इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसी इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से ट्रमेंडस चेंजेस आ जाते हैं। देर आर लॉट ऑफ फिनोमिना विच वी हैव टू स्टडी इन क्वांटम मैकेनिक्स, स्टार्क इफेक्ट, ज़िमन इफेक्ट एंड LS कपलिंग, JJ कपलिंग, ये सारी वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं क्वांटम मैकेनिक्स 2 की प्लेलिस्ट के अंदर, और ब्रॉडनिंग भी, स्प्लिटिंग भी, फाइन स्ट्रक्चर भी, सब वहाँ एक्सप्लेन्ड है। आज हमें बात करनी है सिर्फ और सिर्फ इसकी स्पिन की। तो आपको समझ आ गया है कि एन इलेक्ट्रॉन एग्जीक्यूट्स 2 types ऑफ मोशंस अराउंड द न्यूक्लियस, वन इज ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस एंड अदर इज स्पिनिंग मोशन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। अब ये तो था सारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अब आपको ये पता है कि इसको स्पिन क्वांटम नंबर S से डिनोट किया जाता है, जिसकी वैल्यू हम लेते हैं हाफ इंटेग्रल स्पिन। हमें पता है इलेक्ट्रॉन फर्मियन होता है, इसी तरीके से हम बोलते हैं फोटोन बोजोन होता है, और जिनकी स्पिन इंटेग्रल होती है।
हाफ इंटीग्रल का मतलब होता है इट इज मल्टीपल ऑफ एच कट, कि आप अगर इसका जेड कंपोनेंट लेने की कोशिश करें एम एस तो उसकी वैल्यू प्लस माइनस हाफ एच कट रहती है, विच गिव्स यू द ओरिएंटेशन। अब इसका मीनिंग हमें समझ नहीं आता है कि इंटीग्रल स्पिन का क्या मतलब है, हाफ इंटीग्रल स्पिन का क्या मतलब है, इसकी वैल्यू को हाफ क्यों लिया जाता है, ये सारी चीज़ें ऊपर से निकल जाती हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस, बहुत ईजी, बड़ी छोटी सी कहानी है कि जब कोई एक चीज़ रोटेट होती है तो हम उसका एंगल मेजर करते हैं और वो एंगल मेजर किया जाता है डिग्रीज में। और आपको पता है कि जब पूरा सर्कल एग्जीक्यूट कर लिया जाता है, पूरा एक राउंड अबाउट एग्जीक्यूट कर लिया जाता है, तो उसका एंगल कितना रहता है, 360 डिग्री। अब इलेक्ट्रॉन जब स्पिनिंग मोशन लेता है, इलेक्ट्रॉन को 360 डिग्री कवर करने के लिए दो बार स्पिनिंग मोशन एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, तब जाके 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट होता है। तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, 360 डिग्री मींस देयर इज वन रोटेशन। अब इलेक्ट्रॉन को इस वन को करने के लिए टू टाइम्स करना पड़ता है, सो इलेक्ट्रॉन की वन स्पिन प्लस वन स्पिन इज इक्वल टू इट्स वन रोटेशन। तो इसका क्या मतलब है कि दो बार स्पिनिंग मोशन लेगा तब जाके एक कंप्लीट रोटेशन होगी। सो वन स्पिन किसके इक्वल हो जाएगी, 1/2 रोटेशन के। मतलब दो, इसकी वैल्यू को अगर हम हाफ कहें, आपको समझ आती है बात कि हाफ प्लस हाफ कैन बी टेकन एज वन। तो अगर आपको वन कंप्लीट 360 डिग्री की रोटेशन देनी है तो इलेक्ट्रॉन को दो बार घूमना पड़ेगा, दो बार स्पिनिंग मोशन एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, इसीलिए हम इसकी एक वैल्यू को क्या बोलते हैं, हाफ। अब रही बात प्लस माइनस हाफ की, क्योंकि जब वो स्पिनिंग मोशन लेता है इट कैन रोटेट इन, इट कैन स्पिन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इट कैन स्पिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो क्लॉकवाइज इज टेकन एज पॉजिटिव एंड anti-clockwise is taken as minus half negative. So this was the basic concept of electron spin. लेकिन नेट के एग्जाम में सिर्फ इतनी कहानी काफ़ी नहीं रहती है, दिस वॉज जस्ट द कॉन्सेप्ट कि आपको समझ आए स्पिन क्या होती है और इसकी वैल्यू हाफ का क्या मतलब है। आप कहते हैं कि फोटोन की स्पिन इंटीग्रल है, सपोज इट इज वन, तो इसका क्या मतलब है कि वो एक बार घूमता है तो 360 डिग्री का एंगल एग्जीक्यूट हो गया। अगर किसी की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी इंटीग्रल का मतलब है कि उनको दो बार, तीन बार, चार बार नहीं घूमना पड़ेगा उस 360 डिग्री के एंगल को एग्जीक्यूट करने के लिए, उनकी एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल हमें प्रोवाइड कर देती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, अगर इलेक्ट्रॉन दो बार स्पिन लेता है तब जाकर 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट होता है। एंड इन द रियल वर्ल्ड, बिकॉज वी डील विद मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, सो इट हैज़ नो रियल सिग्निफिकेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक यू स्टडी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन क्वांटम रेजाइम और इन द केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ओनली। दैट इज वाई ये कॉन्सेप्ट मैक्रोस्कोपिक के केस में थोड़ा विजुलाइज करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। अब ये सारा कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रॉन स्पिन का। अब अगर हम बात करें कि इसको कैसे डिस्कवर किया गया, पता कैसे चला कि ये स्पिनिंग मोशन है, तो स्टर्न गार्लिक एक एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट किया गया था और वो पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने बड़ी थॉरोली अपनी क्वांटम मैकेनिक्स की वीडियोस में डिस्कस किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। थोड़ा आइडिया मैं यहाँ पर दे देती हूँ, स्टर्न गार्लिक ने क्या किया था, उन्होंने सिल्वर एटम्स जो हैं उनको मूव करवाया इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, और उस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब वो पार्टिकल्स पहुँचते हैं तो कुछ हाफ की जो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जब वो वहाँ से गुजरती है, पास होती है, तो वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो सर्कुलर मोशन देगी, डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन कि वो इलेक्ट्रॉन वो जो पार्टिकल है वो खुद किस ओरिएंटेशन में है उसके अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन में डायवर्जन आ जाएगी मूवमेंट में। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स उस स्क्रीन पे हाफ ऊपर चले जाते हैं, हाफ नीचे, तो स्क्रीन पर दो स्पॉट्स मिल जाते हैं। सो प्रेजेंस ऑफ दीज टू स्पॉट्स कन्फर्म्स दैट कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक बड़ा सेट, दो सबसेट्स का कॉम्बिनेशन है, कि उसके अंदर दो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। वो डिफरेंट टाइप किसके कंटेक्स्ट में होगी, स्पिन के कंटेक्स्ट में, कुछ की स्पिन प्लस हाफ है और कुछ की स्पिन माइनस हाफ है, वो डायरेक्शन उनकी जो है स्पिनिंग की वो अलग अलग है, इस वजह से वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। डिटेल एक्सपेरिमेंट
लिंक की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं. सो दिस ऑल अबाउट यू विल हैव टू स्टडी फॉर नेट एग्जाम प्रेपरेशन बीएससी एमएससी अबाउट स्पिन. और जितनी भी वीडियोस की मैंने यहां पर बात करी है, चाहे वो फाइन स्पेक्ट्रम है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रम है, चाहे वो स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट है, चाहे वो क्वांटम की थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड बोर्स मॉडल, वो सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं. सो इलेक्ट्रॉन स्पिन इन इटसेल्फ इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक. एज सच इट इज नॉट अ स्पेसिफिक टॉपिक. इट इज इंक्लूडेड इन दीज टर्म्स विच आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एंड द लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन. यू कैन जस्ट गो एंड वॉच एंड प्रिपेयर योर टॉपिक वेल. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन आस्क क्वेश्चंस एंड आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर द आंसर्स. थैंक यू सो मच.